जैसे जैसे नीचे उतर रहा हूँ मेरे रोंगटे जो है आपके बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। नमस्कार भाइयों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब एकदम से बढ़िया होंगे। और मैं आज बता दूं, आज एक नई जगह चलने वाले हैं, ग्रशेन की बावड़ी, जो कि बहुत ही फेमस जगह है कैनॉट प्लेस के पास में। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे झूम बराबर झूम, पीके, बहुत ही डरावनी जगह बताई जाती है। चलो देखते हैं क्या होता है। फाइनली भाई मेट्रो स्टेशन पे भी पहुँच गया हूँ। मेट्रो भाई आ चुकी है। फाइनली भाइयों मेट्रो स्टेशन से एग्जिट भी ले लिया है। यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग और पैदल चलना पड़ेगा, फिर पहुँचने वाले हैं। 15 किलोमीटर का तो रास्ता दिखा रहे हैं मैप में, पता नहीं कहाँ ये मैप लिए जा रहा है पतली पतली गलियों से। फाइनली भाइयों अब हम पहुँच गए हैं सीधा एंट्री गेट पे। अब एंट्री होती है, पता नहीं क्या एंट्री ले ले, फिर अंदर दिखाते हैं। ये बता दूं भाई, मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ। गेट इतना डरावना लग रहा है यार, इसका अंदर कितना लगेगा यार। मैंने भाई एंट्रेंस गेट पे एंट्री भी ले ली और यहाँ पे घुसते ही मुझे बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ दिखी। लगभग 105 सीढ़ियाँ बताई जाती हैं, जो कि बहुत लंबी सीढ़ियाँ वहाँ तक गई हैं और ये बहुत ही डरावना लग रहा है अंदर जाने के लिए। चलो भाई नीचे चल रहे हैं, नीचे चल के देख रहे हैं पहले। आपको बता दूं, मैं जैसे जैसे नीचे उतर रहा हूँ मेरे रोंगटे जो है आपके बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। बहुत डरावना लग रहा है यार, आपको बता नहीं सकता हूँ। जबकि अभी दिन है तो रात में क्या होता होगा। देख सकते हो आप, ये जो पूरी रस्सी करके कवर कर दिया है, अब यहाँ से नीचे कोई जा नहीं सकता है। और वो सामने कुआं जो है, ये पूरी बावली 80 मीटर गहरी है और 35 मीटर चौड़ी है और यहाँ पर 105 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे जो देख सकते हो आप, ये कबूतर जो और कबूतरों की जुटर गुँ और चमगादड़ों का चिलचिलाना बहुत ही डरावना लग रहा है। यहाँ पर जो भी उदास लोग आते हैं वो ये काला पानी जो है उसको खींच लेता है। यहाँ पर बहुत सारी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए ये जो रस्सी है बंद कर दी गई है। इस काले पानी को देखकर यार मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी है यार। कहा जाता है 14वीं शताब्दी में राजा अग्रसेन ने इसे बनवाया था। देखो इतनी पुरानी हो चुकी है, तब भी इसकी खूबसूरती जो है बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन डरावनी भी उससे कई ज़्यादा लग रही है। इसमें मुझे ना तो एक भी पिलर दिखा है, ना तो एक भी बीम स्लैब कुछ भी नहीं दिखे हैं, फिर भी देखो ये कितनी मजबूत बनी हुई है। चूने पत्थर और लाल पत्थर से इसका जो डेकोरेट किया जाता है बाद में भी पहले में भी यार बहुत डरावनी लग रही है यार। और ये देखो एक जाली सी आपको मिल रही होगी, पता नहीं ये भी लगी है, क्यों बंद कर दी है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है नीचे भाई यार, मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई। नीचे से होके अब ऊपर जा रहे हैं, नीचे बहुत डरावना लग रहा था यार। यहाँ पे जो आपने पीके पिक्चर देखी होगी उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई नहीं आता, जबकि इतनी फेमस जगह हो चुकी है ये, तब भी कोई नहीं आता है घूमने। यहाँ पे पीके पिक्चर की शूटिंग हो चुकी है, फिर भी कोई नहीं आता है। आपको ये बावली कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वहाँ पे सर घूमने लगा है यार, निकल रहा हूँ यहाँ से। बहुत थक गया हूँ यार, नीचे बहुत डरावनी जगह थी, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया है वहाँ पे। इस वाले ब्लॉग को भाई यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक से ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो यार। देखो कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं भाई, जगह जो थी बहुत डरावनी थी यार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में यार, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, बढ़िया रहिए,
और बीडी को फैला दो सब में।